दोनों सर्कल के लिए पोलर निकालने और वो पोलर कोइन साइड प्रूफ करने मतलब दोनों सेम ही लाइन आएगा ये प्रूव करना है ये हो गया फर्स्ट पार्ट पार्ट हमारा ठीक है। हम ठीक है है में पे हम लोग को बोल कि ऐसा एक और पॉइंट एग्जिस्ट करेगा मान लीजिए अल्फा बीटा अब आप अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में इस सर्कल के लिए और इस सर्कल के दोनों के लिए जब पोलर्स निकालेंगे तो वो भी सेम आएंगे ठीक है और उस वो बीटा क्या कोऑर्डिनेट आएगा वो भी हम लोग को पता करना है तो ये हमारे दो पार्ट है देखो वन बाय वन सॉल्व करते हैं सबसे पहले सर्कल फर्स्ट सर्कल को एज्यूम करें एस वन ठीक है ये है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स फाइव इजिकल्स टू जीरो राइट ऐसी ये आ गया हमारे पास दो सर्कल अब हमारे पास पॉइंट क्या है जो कि हमारा पोल है अपेरेंटली है ना इस इस सर्कल इस पॉइंट से हम लोग को पोलर ड्रॉ करना है तो ये पॉइंट हमारा पोल हुआ ये है हमारा वन कॉमर माइनस टू गिवन ठीक है अब देखो पोल से हम लोग को पोलर निकालना है तो क्या होता है इक्वेशन टीवल टू जीरो और टी में हम लोग क्या करते हैं मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ एक्सक्वायर को हम लोग एक्स एक्स वन से रिप्लेस करते हैं वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से ठीक है ऐसे ही एक्स को हम लोग रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से या फिर अगर आप इक्विलिटी आपको ऐसे याद होगा इसी के बदले आप ऐसे लिखते हो गए ना टू जी एक्स को आप रिप्लेस करते हो जी इन टू एक्स प्लस एक्स वन ठीक है अब ये दोनों सेम ही चीज है देखो यहाँ पे भी आप x को x एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से रिप्लेस करो तो ये बाई टू और ये टू कैंसिल होकर यही चीज आएगी ठीक है तो बट इसमें एक एडवांटेज ये रहता है कि आपको g क्या है g अलग से कैलकुलेट करने की इसको देख के फिर वो झंझट नहीं रहता है। ऐसे यहाँ पे y को तो आप रिप्लेस करोगे y प्लस वाई वन बाई टू ठीक है अब इसके लिए भी आप ऐसे याद रह, याद होगा आपको टू एफ वाई को आप रिप्लेस करते दोगे एफ इन टू वाई प्लस वाई वन ठीक है दोनों सेम ही चीज है अब देखो हम लोग फर्स्ट सर्कल के लिए निकालते हैं तो मान लीजिए एल वन है हमारा पहला वाला सर्कल के लिए पोलर ठीक है एल वन में ऐसे नेम दे रहा देना तो ये इक्वल टू जीरो लगाएंगे तो क्या एक्स इंटू एक्स वन मतलब एक्स इंटू वन प्लस टू ठीक है इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं एक्स इंटू वन वाई इंट माइनस टू प्लस सिक्स इंटू वाई प्लस माइनस टू बाई टू है ना देखो वाई प्लस वाई वन बाई टू फिर यहां पे फाइव इज टू जीरो ठीक है अब यहाँ पे ये यह कैंसिल हो जाएगा टू यहां से थ्री यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस टू वाई ठीक है एक्स माइनस टू वाई आ गया पे यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस थ्री वाई माइनस थ्री टू सिक्स टू जीरो तो यहाँ माइनस टू वाई प्लस थ्री वाई मतलब एक्स प्लस वाई हो जाएगा माइनस वन मतलब x प्लस वाई इक्वल टू वन ये हमारी एल वन आ गई ठीक है ये माइनस सिक्स प्लस वन यहाँ पे माइनस वन इस वन सिमिलरली एल टू निकालता है यही पॉइंट है यही इक्वेशन लगानी है एस टू के लिए ठीक है तो देखो एक्स इंटू वन प्लस वाई इंटू माइनस टू ठीक है फिर प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन बाई टू है ना एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से रिप्लेस कर ठीक है आपको अगर आपके वाले तरीके से आपको ऐसे याद है अगर तो आप ऐसे भी करो सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ पे जी वन आ जाएगा तो वन इंटू एक्स प्लस वन या फिर टू इंटू एक्स प्लस वन बाई टू कट के सेम ही चीज आएगा ना यहाँ पे आ जाएगा एट इंटू वाई माइनस टू बाई टू है ना वाई प्लस माइनस टू मतलब y minus 2 by 2, plus 5, ये हमारी एल टू हो गई जो कि पोलर है सेकेंड सर्कल के लिए क्या आएगा एक्स माइनस टू वाई टू टू यहाँ पे कैंसिल यहाँ पे टू और यहाँ पे ये यह फोर आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वन प्लस फोर वाई माइनस एट ठीक है ये एट तो है क्लियरली लिख दो प्लस फाइव इक्वल टू जीरो माइनस टू वाई प्लस फोर वाई यहाँ पे आ जाएगा टू वाई अगेन ठीक है तो एक्स वाले टर्म हो गए हमारे ये जो 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 मैं ऐसे एरो मार्क कर रहा हूँ अब देखो बचे हुए टर्म्स क्या है वन प्लस टू सिक्स एट मतलब सॉरी माइनस टू इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे ये अगेन एक्स प्लस टू वन आ गया ना टू 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 कैंसिल कर दिया और ये माइनस वन को उधर भेज दिया तो ये देखो पहला पार्ट हमारा यहीं से प्रूव हो गया हम लोग को प्रूव क्या करना था कि ये वन को माइनस टू से जो हम लोग पोलर डालेंगे

मा बीटा ठीक है उस पोल को मान मानिए कॉमा अल्फा कॉमा बीटा ठीक है अब हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा कॉमा बीटा से जब हम लोग पोलर ड्रॉ करेंगे दोनों सर्कल के लिए तो वो सेम आनी चाहिए तो देखो सेम लिखते हैं है ना तो यहाँ पे भी अगेन टी इक्वल टू जीरो लगाएंगे टी इक्वल टू जीरो में क्या करना है मैंने यहाँ पे बता दिया तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स इंटू एल्फा ये अगेन हम लोग यहाँ पे एल वन के लिए लिख रहे हैं मतलब फर्स्ट सर्कल के लिए लिख रहे हैं तो L1 डैश लिख देते हैं ठीक है सेकेंड पॉइंट है ना पोल पी डैश अगर लिख दें यहाँ पे और इसको लिखा है ठीक है तो ये L1 डैश हमारे पास हो जाएगा एक्स इंटू एल्फा प्लस वाई इंटू बीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बाद क्या था सिक्स वाई प्लस फाइव ना सिंपल है सिक्स इंटू वाई प्लस बीटा बाई टू प्लस फाइव इक्वल टू जीरो हमारे पास एक्स अल्फा प्लस बीटा वाई यहाँ से थ्री कैंसिल प्लस थ्री वाई प्लस थ्री बीटा प्लस फाइव इक्वल टू जीरो ठीक है इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करोगे देखो क्या लिख सकते हो कॉमन लेके एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस थ्री वाई ठीक है प्लस कॉन्स्टेंट हमारे पास आ जाएगा थ्री बीटा प्लस फाइव इक्वल टू जीरो हमारी आ गई पहली पोलर एलवन डैश ठीक है ऐसी सेकेंड सर्कल के लिए लिखता है

देखो अभी क्या क्या ये टू टू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा देखो बचा हुआ सब लिखते हैं यहाँ पे एक्स अल्फा और यहाँ पे एक, एक, एक बचेगा तो एक अल्फा अल्फा मतलब एक वन, है ना देखो ये टर्म हो गया और ये टर्म हो गया अंडरलाइन वाला अब वाई वाला टर्म लिखते हैं वाई बीटा है और यहाँ पे फोर वाई है तो यहाँ पे वाई कॉमन लोगे तो बीटा प्लस फोर आ जाएगा ना ठीक है तो वाई वाला टर्म भी हो गया अब सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म रहता है ये हो गया ये हो गया ये वाला भी हो गया यहाँ पे अल्फा आएगा ठीक है यहां पे फोर बीटा आ जाएगा ये वाई वाला तो हो गया ना यहां पे फोर बीटा आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट जो फाइव एक है वो फाइव आ जाएगा ठीक है तो एल्फा प्लस फोर बीटा प्लस फाइव हमारा है। ये इक्वेशन टू आप बोल दो इसको 1 बोला था। अभी देखो ये हमारा एल्टू डैश है इसको इक्वेशन टू बोला अभी देखो इक्वेशन वन एंड टू रिप्रेजेंट सेम लाइन

बीटा प्लस थ्री डिवाइडेड बाई बीटा प्लस फोर इसी क्वेश्चन यहाँ पे है थ्री बीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस फोर बीटा प्लस फाइव ठीक है ये चीज है हमारे पास अब देखो इसको सॉल्व करना है बस इसको सॉल्व करके अल्फा बीटा हमारे पास आ जाएगा पहले इन दोनों को लेते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ठीक है पहले इन दोनों इक्वालिटी को लेंगे फिर आप किसी भी ले ले इन दोनों को ले लीजिए या फिर इन दोनों को ले लीजिए मर्जी आपकी तो मैं पहले इन दोनों को लेकर सॉल्व करता हूँ तो जो क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो तो यहां, यहां से अल्फा बीटा अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा फोर अल्फा और थ्री अल्फा तो इधर आ जाएगा तो अल्फा हो जाएगा इजिकल्स टू बीटा प्लस थ्री या फिर हाँ चलो एल्फाइज टू बीटा प्लस ऐसे ही लिखता है ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया अब अगर आपको अब आपकी मर्जी आप फर्स्ट और थर्ड को ले लो सेकंड और थर्ड को ले लो जिस, जो मर्जी है आपकी उसको सॉल्व कर लो मैं सेकंड और थर्ड को लेके सोल्व करो ठीक है ये था यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ठीक है ये वाला चीज अब यहाँ पे सिमिलरली हम लोग सेकेंड uh, और थर्ड को यूज करके करते हैं नीचे कर लेते हैं जगह नहीं है यूजिंग ठीक है क्या क्या आएगा हमारे हमारे पास पास आ जाएगा Alpha plus 4 बीटा प्लस 5. पास जाएगा ठीक ठीक है है पे हो ये ये वाला ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस और कुछ नहीं अभी देखो इसको ब्रैकेट दोनों साइड ओपन कर दो तो यहाँ पे एक बीटा से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा फिर प्लस फोर बीटा स्क्वायर प्लस फाइव बीटा ठीक है प्लस यहाँ पे थ्री अल्फा ट्वेल्व बीटा फिफ्टीन थ्री अल्फा प्लस फोर थ्री ट्वेल्व बीटा प्लस थ्री फाइव फिफ्टीन ये आ गया एल एच एस का आर एच एस में देखो थ्री बीटा स्क्वायर अच्छा बीटा स्क्वायर में बन रहा है ठीक है देखते हैं थ्री बीटा स्क्वायर प्लस फोर थ्री ट्वेल्व बीटा प्लस फाइव बीटा प्लस फाइव फोर ट्वेंटी ठीक है देखो अभी क्या क्या कुछ, कुछ कैंसिल हो रहा है तो फाइव बीटा और फाइव बीटा कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, भी 12 बीटा, 12 बीटा हो रहा है है पे भी बीटा बीटा कैंसिल कैंसिल हो हो और ये हो गया और और तो कुछ नहीं हो रहा है ना सिंप्लीफाई करते हैं अभी है। 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 है है। देखो फोर बीटा स्क्वायर थ्री बीटा स्क्वायर तो इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो हमारे पास बचेगा बीटा स्क्वायर ठीक है ये हो गया अब यहाँ पे एक अल्फा बीटा वाला टर्म है ठीक है ये तीन टर्म हो गए और क्या रहता है हमारे पास थ्री अल्फा

इंटू सी यहाँ पे वन है डिवाइडेड बाय टू ठीक है अभी देखो इसको आप सॉल्व करोगे या फिर आप एक चीज और क्या कर सकते हो ठीक है ये या तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करो ये पहला तरीका ठीक है बट एक चीज और देखो अभी दिमाग में आ रही है हम लोग ने यहाँ पे ये अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस थ्री रखा था ना इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे अल्फा की जगह पे और यहाँ पे भी बीटा स्क्वायर प्लस आप जब क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करोगे तो भी आपको एनी हाउ ये वाला रिलेशन कहीं ना कहीं यूज करना ही होगा ठीक है यहाँ पे देखो अल्फा की जगह बीटा प्लस थ्री रखें इंटू बीटा प्लस थ्री इंटू थ्री बीटा प्लस मतलब थ्री अल्फा क्या हो जाएगा थ्री बीटा प्लस नाइन ठीक है ये थ्री अल्फा की वैल्यू माइनस फाइव इक्वल टू जीरो क्या आ जाएगा देखो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इससे प्लस यहाँ पे थ्री बीटा प्लस यहाँ पे एक और थ्री बीटा प्लस नाइन माइनस फाइव कितना हो जाएगा फोर इक्ल टू सी तो ये क्वाड्रेटिक क्या होगी देखो यहाँ पे आ जाएगा टू बीटा स्क्वायर प्लस सिक्स बीटा प्लस फोर इक्ल टू जीरो या फिर आप टू जब कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे दोनों बीटा स्क्वायर प्लस थ्री बीटा प्लस टू इक्वल टू जीरो ठीक है मतलब यहाँ पे मैंने टू से डिवाइड किया हाफ से मतलब हाफ से डिवाइड हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये टू 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 सब कैंसिल हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस थ्री बीटा प्लस टू ठीक है तो यहाँ से बीटा की वैल्यू देखो अब सिंपल क्वाड्रेटिक है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी मतलब इसका स्क्वायर माइनस फोर इन टू टू माइनस ई वन है ना वन बाई टू तो यहाँ से बीटा की दो वैल्यूज आएंगी ठीक है जब आप माइनस लोगे और जब प्लस लोगे तो जब माइनस लोगे तो माइनस थ्री माइनस वन बाई टू मतलब माइनस फोर बाई टू इज माइनस टू ठीक है और जब प्लस लोगे तो माइनस थ्री प्लस वन मतलब माइनस टू बाई टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन तो बीटा के हमारे पास दो वैल्यूज आए और फिर हम लोग के पास अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस थ्री था।, तो टू टू, था तो यहां से इक्वल टू माइनस टू प्लस थ्री मतलब वन आ जाएगा इक्वल टू माइनस टू ये हमारा एक कोऑर्डिनेट ठीक है एक मिनट अभी मैं बताता हूँ क्या चीज है कुछ बीटा प्लस थ्री आ गया यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस थ्री अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री तो अल्फा इक्वल टू टू आ गया ठीक है तो हमारे पास एक पॉइंट वन कॉमा माइनस टू आया ठीक है दूसरा पॉइंट आया 2 कॉमा माइनस वन अब देखो ये तो मतलब हम लोग ने जनरली सॉल्व किया ना अभी ये आप अगर आप पहले वाले पार्ट को यहाँ पे आप यहाँ पे जो हमारा पहला पार्ट था कहाँ तक निकाले थे हाँ ये वाला x प्लस वाई प्लस वन अगर आप इसको भूल जाओ यहाँ से हम लोग ने क्या एक किया एक जनरल पॉइंट को रेज्यूम किया और फिर हम लोग ने पोलर्स निकाले तो ये हम लोग को वो सारे देगा ठीक है जहां पे मतलब क्वेश्चन तो में दे रखा है ठीक है तो वही मैं क्या रहा था कि सारे सोल्यूशन देगा तो वन कॉमो माइनस टू हम लोग को ऑलरेडी दे रखा है तो द अदर सोल्यूशन इज टू कॉमो माइनस वन ठीक है तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा जो हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि प्रूव प्रूफ भी हो गया कि ऐसा एक और पॉइंट एग्जिस्ट करता है और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा माइनस -1 तो ये हमारा आंसर है थैंक यू क्लास 6 से 12th तक अगेन नीड आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400 पर